हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ग्लैडिएटर हियर एंड टुडे वी आर गोना डू अनबॉक्सिंग ऑफ समथिंग जिसका आपने टाइटल देख लिया होगा, लेकिन यू विल हैव टू वेट फॉर अ मिनट और सो। बिफोर दैट आई वांट टू गिव सम हिस्ट्री लेसन अबाउट माई सेल्फ। अब माई सेल्फ रादर आई एम गोना गिव यू हिस्ट्री लेसन अबाउट दिस। नाउ व्हाट इज दिस? आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट लेट मी ब्रिंग इट अ बिट क्लोजर। आई थिंक नाउ यू कैन सी इट, राइट? सो दीज आर सैमसंग ईयरपॉड्स। ये हमने लिए, मैंने लिया था इन 2018 एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई यू नो गॉट फ्रॉम माय फर्स्ट सैलरी दैट आई गॉट इन माय इंटर्नशिप। तो अभी इस वाले ईयरफोन को यूज करने के बाद में, मतलब दीज ईयरफोन्स हैव यू नो लिटरली सर्व्ड मी वेरी नाइसली। इनसे मेरी लिटरली कोई शिकायत नहीं है। आई हैव एब्सोल्युटली लव्ड देम, आई हैव एब्सोल्युटली अब्यूज्ड देम, ठीक है? एंड बेहद प्यारी आवाज थी इनकी एंड इट वॉज ऑल वेरी गुड। बट द रीजन वाई आई हैड टू चेंज इज बिकॉज आई गॉट समथिंग that was different than the S9 that I was using, which was this, the iPhone. Now, because I am using this, so I cannot use this thing because मैंने एक चीज notice करी कि Samsung, जब मैं इसको अपने Samsung के फोन के साथ use करता था या अभी जैसे tab के साथ use करता हूँ, the sound quality is far 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 more superior than when the quality that I get when I am using this with this, ठीक है? So because of this only I thought कि now let us retire these, not exactly retire but अभी इनको मेजर यूज में मैं इसको नहीं लूंगा, ठीक है? एंड नाउ आई विल यूज समथिंग एल्स व्हिच इज बाय बाय माय लवली ईयरफोन्स। इसको भी हटा देते हैं, व्हिच इज राइट एंड हियर। दीज आर एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन एंड ये आप इसका, यू इफ यू वांट टू सी द इंफॉर्मेशन इट इज राइट हियर। I don't, yeah, you can now see it. So, MSRP is 26,900. Lekin you will find this, you will get this for somewhere around 24,000 to 25,000, right? So, here is the box. Again, simple design hai bahut. Hai na, wala minimalistic design hai. And that is what I love about Apple and even about my PlayStation. Jo maine bola tha. I'm a sucker for simple designs. And now let us start with the unboxing of AirPods Pro second generation. So, बिल्कुल fresh unit है, अभी तक खुली भी नहीं है, you can see, right? वो तो यार iPhone का तो खोल के करना पड़ा था उस time पे मेरे को, for obvious reasons as I told you guys. So now मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ. Now let us open this. So now let us open it. नहीं यहाँ से. एक मतलब पास से लेके करते हैं आपके लिए. ये सेकंड वन, यस एंड इट इज डन। यहाँ पे कुछ निकल के आया, श्योर। एंड S9 मेरा, इस S9 नहीं, सॉरी, आई मीन मेरा AKG वाले का भी डब्बा लगभग इतना ही बड़ा था वैसे तो, 19-20। चलो अब इसको खोल के देखते हैं, हाउ इज इट। ऐसे ही स्लाइड आउट हो जाता है ये, जैसे बाकी सारे डब्बे होते हैं। डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसमें कुछ है क्या? आई स्टिल रिमेम्बर जो मेरा जो इसका एयरपॉड्स का जो डब्बा आया था मेरे, उसके अंदर यहाँ पे अंदर एक बॉक्स था जो मैंने निकाला था फिर ऐसे करके, तो स्टिल आई हैड टू चेक इट आउट। आई वाज वेरी सरप्राइज, मेरे को पहली बार तो दिखाई नहीं था वो ऐसे में, किसी दिन कुछ चीज ढूंढ रहा था मुझे तब दिखा वो। सो नाउ लेट अस see, touch and feel of material is very good. Oh my god, क्या है इसके अंदर? वैसे कुछ काम का है भी इसमें? कुछ है क्या? AirPods Pro, this is warranty summary, this is top line information. किसी कुछ काम की चीज नहीं है इसमें, कुछ काम का है क्या? ओके, स्टेप्स और ये सब कुछ दे रखे हैं इसमें, ये तो हम पढ़ेंगे बाद में सब कुछ, ठीक है? एयरपॉड्स को हम देखेंगे बाद में। ये क्या है? ये तो प्रॉपर ऐसे उसमें बंद रखे हो गया है कि नाइस नाइस। बाद में देखेंगे इसको, अभी इसको उठा के रख देते हैं यहाँ पे।
अब ये क्या है यहाँ पे, एक थोड़ा पुल करने के लिए दे रखा है, लेट अस पुल इट। ओह नाइस। अच्छा ये ऐसी चुपक के आ गए उसके पीछे ऐसे। ओके दैट्स अ वेरी क्यूट। ये इसमें क्या, इसको खींचो क्या? आई डोंट वांट टू ब्रेक इट हो सकता है। अच्छा ऐसे ही खुल जाए। अरे बाप रे, बड़ा दिमाग लगाया यार उन लोगों ने। इनको देख के एक ही चीज आ रही, ओ दीज आर एक्सेस स्मॉल एंड लार्ज, वेरी नाइस। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, देखो सैमसंग से तो अच्छा ही प्रेजेंटेशन है, एटलीस्ट मेरे इन वालों से। तो अभी का तो देखो भाई मेरे को नहीं पता, ये बाद में देखूंगा मेरे को कौन सा पटा रहा है कौन सा नहीं आ रहा। ओके लेट अस कीप दिस एट अ साइड। वी हैव गॉट द केबल नॉर्मल वही, दिस इज टाइप, दिस इज लाइटनिंग केबल। ओके एंड नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। यार ये डब्बा ऐसा किसी सर पे फेंक के मारो, सर ही फूट जाए उसका। चलो जी हम इन सबको रखते हैं जरा साइड में, एंड लेट अस कम टू द एयरपॉड्स देम सेल्स। एयरपॉड्स ये ना, यस आपको पॉट इतने टाइम से अपना वो यूज़ कर रहा था ना मैं, इसको भी साइड कर देता हूँ। हियर इट इज। अब भाई अलग ही चमक मार रहे हैं यार, अलग ही चमक मार रहे हैं। ये क्या है, टॉर्च है क्या इसमें? आई डोंट नो, डोंट डोंट ग्रिल मी। स्पीकर भी है ओके। स्पीकर मस्ट बी टू फाइंड, जैसे कहीं आप रख दोगे तो भूल भूल जाओगे तो उसके लिए ना। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन में, कि दिस थिंग हैज गॉट अडैप्टिव ऑडियो, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड, पर्सनलाइज्ड स्पेशल ऑडियो विद डायनामिक ट्रैकिंग हेड, एंड यस आई एम रीडिंग दिस ऑफ ऑफ दिस। सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी भी जरूरी है ना, हमें तो इतना याद नहीं, टेक्निकल गुरु जी तो हम है नहीं। सो टच कंट्रोल तो इसमें है ही है, एंड स्वेट डस्ट वाटर रेजिस्टेंट है ही है। H2 चिप इसके अंदर है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। दिस चिप इज द थिंग दैट गिव्स दिस लिटिल थिंग एन एज ओवर मैनी कंपनीज लाइक सोनी, बोस, मैनी कंपनीज, ठीक है। एंड ये दो कंपनी तो बिकॉज दीज आर यू नो नोन फॉर देयर साउंड, तो इस वजह से मैंने उन दो कंपनीज का नाम लिया है। अब आते हैं आपके इसके ऊपर और क्या क्या है इसमें। हे सीरी, मतलब सीरी के थ्रू आप बोलोगे तो दैट फंक्शन इज देयर। 6 hours ऑफ बैटरी बैकअप है इसमें इफ वी आर गोना लिसन इसको लगातार, एंड 30 hours ऑफ लिसनिंग चार्ज है, अगर लिसनिंग टाइम है अगर हम ये चार्जिंग केस का टाइम भी इसमें इंक्लूड कर दें, यानी कि आप इसको चार्ज कर रहे हो, एक लगा रहे हो, एक लगा रहे हो, इस तरीके से। ऑटोमेटिक स्विचिंग, ऑटोमेटिक स्विचिंग मतलब कि इफ यू आर यूजिंग दिस विद एन आईफोन एंड एन मैकबुक, तो अब मान लो कि आपने अपने मैकबुक में लगा रखा है, नाउ यू वॉन्ट टू यूज इट इन योर आईफोन, एंड मैकबुक बंद कर दिया, अपने आप अपने आपके आईफोन से कनेक्ट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। नाउ बाकी दिस थिंग हैज गॉट मैक्सिव चार्जिंग एज वेल, ठीक है। एंड उसके अलावा बाकी छोटी मोटी चीज़ें और है इसमें, ठीक है, कि अडैप्टिव ऑडियो एंड ऑल दैट, तो वो सब अडैप्टिव EQ, इक्वलाइजर, इवेंट। हाँ मेन थिंग इट हैज गॉट इज कि इट हैज गॉट वेंट प्रेशर फॉर प्रेशर इक्वलाइजेशन। व्हाट इज दैट, ईयरफोन्स लगाने के बाद हमें ऐसा लगता है ना जैसे यार कि कुछ दब रहा है, सर में हल्का दर्द हो रहा है, कान दबे दबे से हो रहे हैं, एक थोड़ा एक अजीब सी सेंसेशन होती है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट एक होता है तो इसमें वो नहीं होता, उसकी वजह से वो वेंट सिस्टम होता है इसके अंदर टू इक्वलाइज द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड एंड योर ईयर कैनाल्स, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। सेंसर में आता है तो स्किन डिटेक्ट सेंसर, अब इस वो तो देखो इसमें भी था, आई वॉन्ट से इट इज समथिंग रेवोल्यूशनरी, राइट। और देखो मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं करा है, मैंने कभी भी एप्पल का कोई भी ईयरफोन्स एयरपॉड्स नहीं यूज़ करे हैं, आई ऑलवेज यूज सैमसंग एन एक ही चीज़। ओके सो ये मैं पहली बार ट्राई करूंगा, सो लेट अस सी कि इसमें इससे अलग क्या। लेकिन हाँ स्किन डिटेक्ट सेंसर इसके अंदर भी था, मोशन डिटेक्टिंग इसके अंदर भी था, और टच कंट्रोल इसमें था ही था। ये जो आपके बड्स हैं, वेट होल्ड ऑन, एक हाथ से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन दीज बड्स आप यहाँ पे टैप करके आप कर सकते थे, इधर टैप करके यू कुड हैव डन इट। सो अब इनको दोबारा से साइड में कर देते हैं, बाय माय लवली बड्स। उसके अलावा अब अगर आप इनके अंदर फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस कुछ नहीं है, आपके प्रेस प्रेस के फंक्शन होते हैं कि एक बारी प्रेस करो, मीडिया प्ले, पॉज, ये XYZ, आई नो यू आर नॉट हेयर फॉर दिस, नाउ लेट अस ओपन दिस। सो मैं वाला फोकस, दिस फोकस हुआ, यस बहुत मोटा। वन दे ट्राइंग टू सेव द एनवायरनमेंट और समथिंग बाय नॉट गिविंग अस द अडैप्टर्स एंड स्टफ। ओह भाई क्या चमकी मार रहा है ये, अलग ही लेवल पे चमक रहा है ये तो। ऐसे कैसे, व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ?
डायपर से मैंने रखा है, बच्चों को डायपर नहीं पहनाते हैं। ओके नाइस, फील्स वेरी प्रीमियम। अच्छा मुझे लग रहा था कि ये टॉर्च है, टॉर्च नहीं है यार ये, इसके अंदर डालने के लिए फीता वीता डालने के लिए। क्या लिखा हुआ है, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन वियतनाम। कभी वो दिन भी आएगा कि मेड इन इंडिया असेंबल्ड इन इंडिया भी आएगा। सो आई डोंट नो व्हाट दिस इज, यहाँ छोटा सा, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, यहाँ दिख रहा है आपको हल्का सा गो, पता नहीं कुछ है ये यहाँ पे। सो नाउ लेट अस ओपन इट, ऐसा लग रहा है बाल आ गया हो। ओके नाइस नाइस, ये फट जाएगा मेरा हाथ में ये। इसके अंदर से निकलते हैं, जरा इसको गिरा के देखते हैं। जैसे ये तो मेरे अभी भी नहीं निकलते, निकल गया पुराना हो गया इसके लिए। खैर ये निकलते हैं कि आई एम शेकिंग इट विग्रेसली, ये बंद ही हो गया पर निकला नहीं। सो दे आर सिक्योर्ड इनसाइड अच्छे से। ओके अच्छा, टेढ़ा जाता ही ऐसे, मैग्नेटिकली सिक्योर्ड है ये। ओके सो यू कैन सी दीज आर आर एयरपॉड्स राइट हियर। साइज कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ठीक है, बाकी पहन के देखेंगे तो तब पता पड़ेगा ये सब कुछ राइट। सो साइज कंपैरिजन के लिए लाइक दिस। नाउ लेट अस ट्राई देम, वन सेकंड लेट मी जस्ट बिकॉज अब चेंज कर दिया इसका थोड़ी कि आई वॉन्ट रिस्पेक्ट दम, दे आर स्टिल माइन। सो नाउ गिव मी अ सेकेंड एंड आई विल गिव यू द रिव्यू ऑफ हाउ दे साउंड। सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू कनेक्ट दीज। सो पहली बात तो एवरी टाइम यू ओपन दिस इसमें से एक आवाज़ आती है, लिसन वेट द फोकस, गिव मी अ सेकेंड लेट मी फोकस दिस। राइट इसके स्पीकर यहाँ से आवाज आती है। सो हाउ टू डू इट, हियर दिस इज एंड वी वांट टू ब्रिंग आवर फोन क्लोजर राइट, हियर इज द फोन, लेट मी रीफोकस इट। नाउ आई विल ओपन दिस, आई विल ब्रिंग इट क्लोज एंड हियर इट कम्स अपने आप। So I'll connect, I'll set it up, then we'll get back to you. Ooh, nice, they feel nice. Actually, they feel nice. मतलब एक अलग है, जैसे ईयरफोन लगा के ऐसे ना कान बंद हो गया, वो नहीं हो रहा। डैम दीज आर एक्चुअली वेरी, दीज आर वर्थ इट मैन, दीज आर एक्चुअली वेरी गुड। गाइस बिफोर वी स्टार्ट दिस आई एम टेलिंग यू, मैंने ना इसके जब 25,000 रुपए दिए थे आई वाज लाइक कि भाई मैं इतना क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, इवन माई वाइफ वॉज ऑल्सो लाइक कि भाई तू इतने क्यों दे रहा है, पागल वागल तो नहीं हो गया। बिकॉज मतलब ठीक है उसको, शी इज़ नॉट दैट टैक्स हैवी, लेकिन एक्चुअली इवन मन में मेरे भी था कि भाई मैं 25,000 क्यों दे रहा हूँ, लाइक इट मस्ट बी दैट एप्पल टैक्स टैक्स दैट वी यू नो टॉक अबाउट। पर भाई आई विल टेल यू समथिंग कि दीज ईयरफोन्स मैंने अभी इनको कान में लगाया था फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, एंड बिलीव मी अगर देखो आप लोग यूज़ करते हो तो आपको पता है जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अब बिकॉज सिंस मैंने पहली बार लगाया तो आई विल टेल यू, भाई मुंड फट गई। ठीक है, कैसे, कान में लगाया, इसका नॉइज़ कैंसिलेशन इतना तगड़ा है, प्रेशर इक्वलाइजेशन इज सो गॉड डैम गुड, लाइक आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सो अब ज़रा लगा के इनकी साउंड क्वालिटी भी देखते हैं। No.
कान में लगाते ही पहले तो एक तरफ से तो इक्वलाइजेशन वाला जो होता है वो तो है ही, एंड दूसरा जैसे लगता है तो एक साथ दैट एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन सेट्स इन, एंड मैन जो आसपास की आवाज़ें होती है ना, एम्बियंट साउंड्स एंड एवरीथिंग, सब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे यू आर इन अ पैडेड रूम. आई इट इज़ वेरी गुड. एयरपॉड्स की 40%. ओके लेट अस स्टार्ट. साउंड पहले ना थोड़ी कम ही करते हैं. मैं बताऊँ बड़े कान में से खून निकला है मेरे. ज़्यादा कम हो गया. ओह डैम द बेस इज वेरी नाइस. और ये मेरे को नहीं पता मेरी आवाज़ अभी कैसी आ रही है टू यू गाइस, बट द बेस इज वेरी 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 नाइस. बाहर से मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ आई कैन नॉट हेयर माई सेल्फ सेइंग एनी ऑफ दिस, बट द साउंड इज वेरी 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 फकिंग नाइस. क्लैरिटी इज वेरी गुड, ट्रीबल इज वेरी गुड, बेस इज ऑसम. क्लैरिटी इज वेरी गुड. अब मैं सोचा अब तो सुनने के लिए मैं पूरा पूरा गाना सुन ही सकता था, फिर आई वॉज लाइक कि आप लोग तो बोर ही हो जाओगे फिर तो. मैन दीज आर ऑसम, दीज आर वेरी 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 ऑसम. सीरियसली भाई अगर आप लोग सोच रहे हो लेने का, लुक आई वॉन्ट से दैट कि पुश योर सेल्फ, बट आई विल से कि इफ यू आर थिंकिंग टू गेट इट एंड इफ यू कैन गेट इट कंफर्टेबली इनफ, भाई लो लो भाई. मतलब मुझे इसको यूज़ करते हुए 2018 में लिया था, 18, 19, 20, 21, 22, 23. और हाँ जब मैंने लिया था तो अभी मैंने इसको कब लिया, मैंने शायद अक्टूबर में लिया था है कैसे, तो 5 साल होने ही वाले हैं अब इसको, ठीक है. एंड इफ यू आर तो इसलिए इफ यू आर इन अ वेरी डायर केस ऑफ यू नो नीड ऑफ चेंज, भाई चेंज करो. वेरी नाइस भाई, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बहुत प्यारा है, इसका बेस भाई बेहद प्यारा है, ठीक है. एंड साउंड क्वालिटी तो भाई बहुत ही प्यारी है इसकी, क्लैरिटी इन वोकल्स इज वेरी नाइस. बट द थिंग द टू थिंग्स दैट लिटरली ब्लू मी अवे, नंबर वन वॉज इट्स जो मैंने कहा, सॉरी मैं मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा हूँ, द नॉइस कैंसिलेशन. मैन आई यूज़ माई हेडफोन्स कल कैंडी के, आई यूज माई हेडफोन्स जो मैंने जिसका रिव्यू करा था, ठीक है, देवर क्रशर वायरलेस, भाई उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है. इनमें मुझे लगता था भाई कुछ नहीं है ये इसके सामने, ठीक है ना, वो इनके सामने कुछ है, ठीक है. और भाई इन सारी की सारी चीज़ों के अलावा लिटरली आई एम टेलिंग यू कि दूसरा जैसे ही जो इसमें जो इन्होंने करा है ना प्रेशर प्रेशर इक्वलाइजेशन के लिए जो इन्होंने वेंट दिया है, डूड इट वर्क्स मिरेकल्स फॉर एटलीस्ट दोज पीपल जिनको ईयरफोन ज़्यादा लंबा चलाने की आदत नहीं है, बिकॉज उनके सर दर्द हो जाता है, उनको अजीब लगना शुरू हो जाता है. भाई दिस इज़ अ वेरी गुड डील. सो माई फ्रेंड्स दिस वॉज द रिव्यू ऑफ, एक मिनट सैमसंग को हटाई देते हैं, इसका तो रिव्यू था ही नहीं है ना, इनको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगे, थोड़ा हमें भी करने में अच्छा लगे है ना, तो इस वजह से. तो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ द एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन. प्रो था प्रो मैक्स था, एक सेकेंड, या एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन है, इसमें तो प्रो मैक्स होता ही नहीं, प्रो मैक्स की आदत हो गई है हमें. सो आई होप दैट यू गाइज लाइक द वीडियो, अगर ये अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, रिव्यू अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो विद अ फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, एंड येस वी आर गोना गेट एप्पल वॉच सीरीज 9 वेरी 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 सून, एंड दैट टू सीरीज 9, बिकॉज वो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया. भाई इतने अमीर आदमी थोड़ी है ना, तो आप लोगों ने इतना अमीर बनाया कि भैया ना सब्सक्राइब करते ना लाइक करते, कुछ तो कर दो. खैर सो टेक केयर गाइज, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.